नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेन गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन, जो कि आपके आने वाले हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। तो यह डिक्टेशन हमारी मासिक पत्रिका के अंक 3 से प्रतिलेखन संख्या 15 और 14 है। इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। डिक्टेशन लिखने के बाद अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ताकि हम आने वाले वीडियो में और बेहतर कर सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। रेडी। न्याय विभाग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति, त्याग पत्र और निष्कासन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिए इस प्रयोजन हेतु स्थापित प्रक्रिया अनुबोधक को अपनाकर किया जाता है। जिला न्यायाधीशों की सेवा शर्तों और संघ राज्य क्षेत्रों की उच्चतर न्यायिक सेवाओं के अतिरिक्त इन न्यायाधीशों की सेवा शर्तों से संबंधित विधान के लिए उत्तरदायी है। उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों और संघ राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों का संगठन और संगठन इसके दायरे में आता है। संविधान में अखिल भारतीय न्यायिक सेवा स्थापित करने का भी अधिदेश दिया गया है। इन सांविधिक कार्यों के अतिरिक्त न्याय विभाग अनेक विकासीय कार्य भी करता है, जिनमें न्यायालयों को ICT समर्थ बनाना, अधीनस्थ न्यायालयों के लिए आधारभूत संरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता देना, उच्चतम न्यायालय के परामर्श से राष्ट्रीय विकास विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से और योजनागत बजट के साथ कार्यान्वित स्वतंत्र परियोजनाओं के माध्यम से गरीबों को विधिक सहायता देना शामिल है। न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों संबंधी राष्ट्रीय मिशन इस विभाग में 2011 से कार्य कर रहा है और अपनी सलाहकार परिषद के जरिए यह न्याय प्रदायगी और विधिक सुधारों संबंधी की गई सभी पहलों और न्याय प्रदायगी में आगे सुधार के लिए की गई सिफारिशों की सांविधिक समीक्षा करता है। सचिव की अध्यक्षता में मार्च 2012 में एक अंतर मंत्रालयी समूह गठित किया गया था। अंतर मंत्रालयी समूह ने परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत चेक के पास ना होने से उत्पन्न होने वाले मामलों के लंबित रहने को कम करने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम में संशोधन के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं। मिशन ने विधायी और नीतिगत सुधारों को लागू करने के लिए वित्तीय सेवा विभाग से अनुरोध किया है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 एक और विधान है जो अदालतों में मुकदमेबाजी को बढ़ाकर मामलों के बड़ी संख्या में लंबित रहने के लिए योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय मिशन द्वारा इस लंबित मामलों से निपटने के लिए सुधारों को शुरू करने
के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश में सुरक्षित, तेज, लागत प्रभावी और समावेशी यात्रियों की आवाजाही और माल ढुलाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए एक दृष्टिकोण के साथ सड़क परिवहन एवं सुरक्षा विधेयक 2015 तैयार की है। विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्यों के साथ और यातायात संबंधी चालान हो रहे हैं। यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माने का ऑनलाइन संग्रह की प्रणालियों के निर्माण से यह यातायात चालान मामलों के त्वरित निपटान में सहायक होगा। स्वतंत्रता के समय हमारे प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अनुभव किया कि जब तक एक योग्य और कुशल अखिल भारतीय सिविल सेवा नहीं होगी, तब तक भारत संगठित और सुशासित नहीं हो सकता। आवश्यक नौकरी सुरक्षा होने और राजनीतिक कार्यपालिका को निष्पक्ष सलाह देने के लिए इस सिविल सेवा की आवश्यकता थी। मुझे आपके बीच उपस्थित होकर प्रसन्नता हो रही है। मैं राष्ट्रपति भवन में आपका स्वागत करता हूँ और भारतीय प्रशासनिक सेवा में चुने जाने पर बधाई देता हूँ। अखिल भारतीय सेवाओं ने देश के विकास और अर्थव्यवस्था की प्रगति में एक अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद हमें अपनी युवा आबादी और समाज के गरीब और पिछड़े तबकों की उम्मीदों पर ध्यान देना होगा। हमारी शासन प्रणालियों और नौकरशाही व्यवस्था की गुणवत्ता के बारे में अक्सर किए जाने वाले जायज प्रश्नों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। कई बार ये धारणाएं वास्तविकता से उलट हो सकती है, परंतु इन धारणाओं का होना जरूरी है। एक धारणा यह भी है कि कुछ अधिकारी बाद में किसी ना किसी राजनीतिक व्यवस्था या व्यक्ति के जुड़ जाते हैं। आपको इससे बचना होगा। आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती भारत के लोगों को जिनकी सेवा करने का दायित्व आपको सौंपा गया है, यह भरोसा दिलाना है कि सिविल सेवक निष्पक्ष, ईमानदार, कुशल और योग्य होते हैं। जनसेवक के रूप में आपका व्यक्तिगत आचरण अनुकरणीय होना चाहिए। आपके कार्य संबंध आचरण में ईमानदारी और निष्ठा, विनम्रता और भारत और हमारे समाज की अनेकता के प्रति संवेदनशीलता का होना बहुत जरूरी है। आपको
अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आप वास्तव में किसके लिए कार्य करते हैं। इसका सीधा सा उत्तर होगा कि आप भारत के लोगों के लिए कार्य करते हैं, परंतु ऐसे लोग भी हैं जिन्हें सरकार की ज़रूरत है और दूसरों से ज़्यादा आपके सहयोग और सेवा की ज़रूरत है। स्टाफ दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। 70 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में घंटी के बटन को ऑन रखना जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेट डिक्टेशन के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।